मैं सदर बहावलपुर बार एसोसिएशन बहावलपुर जनाब मियां मोहम्मद अजहर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करें। कुमरियां भी शौक में डाले हुए सर तौक में पढ़ती थी अपने जौक में चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान अल्लाह क्यों चुप रहे लाजिम है उसको यूं कहे बरगल गुलाबे कमाले ही कशफत दुजाबे जमाले ही हसनत जमीयों खिसाले ही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि इंतहाई वाजिबुल इहतराम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब मुश्ताक अहमद ओजला साहब इंतहाई मुरब्बी मेहरबान अदीब मिल्लत मुफक्कर इस्लाम जिगर गोशाए गजालिए ज़मान साहिबज़ादा सैयद हामिद सिंह काज़मी साहब दामत बरकातहु आलिया साबिक वफाकी वज़ीर जनाब एडिशनल जज साहिबान जनाब स्पेशल जज एंटी करप्शन इब्राहिम असगर साहब जनाब सिविल जज साहिबान जनाब साजिद हसन दुरानी कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुकला साहिबान खवातीन हज़रात रबीउल अव्वल का मुकद्दस मुबारक महीना हमारे सरों पर जलवा फिगन है। बहावलपुर बार की हमेशा से ये रवायत रही है रबीउल अव्वल के इस मुकद्दस महीने में हम बारगाहे रिसालत में हदिया अकीदत पेश करने के लिए महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करते हैं। आज की महफिल भी इसी हवाले से सजाई गई है। मैं आप तमाम हजरात की आमद पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आप इस बाबरकत महफिल में तशरीफ लाए आपका शुक्रिया। आपको सरकार ने बुलाया क्योंकि कोई खुद से नहीं आ सकता। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद बनाते हैं और इस आस में जीता हूं कहते कोई ये आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। सामीन मोहतरम जिस हवाले से आज ये बाबरकत महफिल सजाई गई है इस बाबरकत महफिल में हम सब मुंतजर हैं किताब का जो जिक्र कुश है गजालिए ज़मान अदीब मिल्लत मुफक्कर इस्लाम साहिबज़ादा सैयद हामिद सिंह काज़मी साहब फरमाएंगे। इनका फैज इनके बुजुर्गों का फैज न सिर्फ मुल्क भर में पूरी दुनिया में जारी और सारी है और मुझे भी इस आस्ताने से इस शफीक आस्ताने से फैज हासिल हुआ। मैं न तो मुकर्रर हूं ये करम अल्लाह और अल्लाह के रसूल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गजालिए ज़मान राजिए दौरान सैयद अहमद सईद कादरी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह शफकत से और स्टूडेंट लाइफ में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरोग
की महाफल सजाने की वजह से हासिल हुआ और ऐसे गुफ्तगु करना मैं ये समझता हूं कि उनके सामने सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है और जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं उनकी मजलिस के आदाब कुछ और हैं, लफ्ज़-ओ-शायरी की जरूरत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बशे लब नहीं चश्मे तर चाहिए। सामीन मोहतरम, आज हम इन हालात में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, जब उम्मते मुसलमान परेशानियों का शिकार है, कश्मीर के अंदर मजलूम मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, फलस्तीन अपनी आजादी के लिए अपने बच्चों को जिबा करा रहा है, दुनिया भर में जरूरत इस बात की है उम्मत मुसलमान मुद्दत हो जाए तो फिर ये कश्मीर भी आजाद होगा, फलस्तीन भी आजाद होगा और बुते धोने से हम वो किरदार अदा कर सकते हैं जो हमारे अकाबरीन में इस बर्रे सगीर पाक व हिंद में कई सौ साल तक किया। कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए पिछले दिनों एक कथा लिखा था, वो अर्ज करके मैं बात आगे बढ़ाता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्वीर अभी बाकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्वीर अभी बाकी है, मेरे प्यारे मुस्तफा की जागीर अभी बाकी है, प्यारे पाकिस्तान की तामीर अभी बाकी है, कश्मीर अभी बाकी है, कश्मीर अभी बाकी है। सामीन मोहतरम, आज इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आने वाले वतन अजीज पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से हुकूमतें की गई, अमली तौर पर यहां निजामे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करने की जरूरत है। और अगर हम इस्लाम का नाम देते रहेंगे, रियासत मदीना की बात करते रहेंगे, ये बातों से नहीं अमल से काम होगा। जवाना नहीं वतन उठो, कफन बर्दोश हो जाओ, जहां फी सबीलिल्लाह पर पलट आने का वक्त आया, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट आने का वक्त आया। उठो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, उसी गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। तपिश सूरज से लो, आसमान से बिजलियां छीनो, अलू के आशिया पर आग बरसाने का वक्त आया। मैं समझता हूं सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, सरकार अलैहिस्सलाम का इश्क हमें भटकी हुई राह से मंजिल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि कुव्वते इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहरे इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। आखिर में एक बार फिर आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, इस मौजू पर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है, इन अल्फाज के साथ के लफ्ज बेबस जुबान है माजूर, हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा, वो किनारा न जिस समंदर का, वो समंदर अबूर क्या होगा, और सीरत पाक के मोहम्मद का बयान कैसे करूं, लौह महफूज की तहरीर कहां से लाऊं, कैसे समझाऊं तुम्हें क्या क्या है कदो खाले हुजूर, पैकर अनवार की तस्वीर कहां से लाऊं, नात मेरी मेरे इश्कों की जुबानी सुन लो, इससे बेहतर लवे तकरीर कहां से लाऊं, बमा रही नाइट बला।